कौन? क्या चाहते हो? ये अफसर साहब का घर है। हाँ। तो तुम अनवर हो? हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें मेरी मदद चाहिए। मुसीबत के वक्त एक भाई अपने भाई के पास चला आया, और जहां तक मैं जानता हूं अब्बा के हिस्से की दौलत चाचा जान के पास थे। ओ, तुमने कभी चाचा से ये नहीं पूछा कि सारी जिंदगी बगैर पैसे के उन्होंने कैसे गुजारी? पूछा तो नहीं, देखा जरूर है। फाका करके, फटा पुराना पहनकर अपनी जिंदगी गुजारी है। और अपने हिस्से की दौलत उन्होंने रंगों में मिलाकर तस्वीरों में जाया कर दी। क्या तुम यह नहीं जानते? मैं जानता हूं उन्होंने तुम लोगों से कुछ भी नहीं लिया। झूठ! आजकल कौन अपने दौलत दूसरों के पास छोड़ देता है? देना नहीं चाहते हो तो इनकार कर दो, किसी पर इल्जाम क्यों लगाते हो? तुम्हें तो बात करने की भी तमीज नहीं। लो 20 रुपया रखो, तुम्हारे काम में आ सकता है। वाह रे दौलत, तेरे बोझ के चले खूनी रिश्ते भी दम तोड़ देते हैं। Oh,
ये सब क्या हो रहा है? बदतमीज रास्कल। बाबा जिंदा थे रहने की एक जगह थी, जाना कहां है नहीं मालूम। तो तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, क्या करते हो? तस्वीरें बनाता हूं और गरीब हो भूखे हो, रहने के लिए जगह नहीं और खाने के लिए पैसे नहीं। तुम अपने ख्यालात को रंगों के जरिए कैनवस पर पेश करते हो जी, और मैं अपनी दिली जज्बात को अल्फाज का रूप हूँ। लोग मुझे शायर कहते हैं। शायर? हाँ, और तुम्हारी तरह गरीब हूँ, खाना बदोश आज यहाँ कल वहाँ। वैसे अभी सर छुपाने के लिए जगह है, चलोगे? चलोगे मेरे साथ?
आपके साथ? आप तो खुद ही हम लोगों का एक ही खानदान है, फरमारी रूह है, गुर्बत हमारा रिश्ता। फिर भी गरीबों की जिंदगी मजे में गुजर जाती है, दौलत की गुलामी ना शोहरत की बंदगी, हम हमेशा आजाद रहते हैं, गम और मुसीबत में जन्म लेते हैं, जवान होते हैं और हंसते हुए मर जाते हैं। आओ नौजवान, आओ मेरे साथ। में जीना, इश्क में मरना, यही है उस्ताद मजनू का कहना। आप कौन हैं? मुसव्विर हैं, तस्वीरें बनाते हैं, और जहां मुफ्त का मिलता है खाते हैं और सो जाते हैं। अच्छा शहर साहब। हाँ भाई। आपको कोई बड़ा और मजबूत ताला बनाने वाला नहीं मिलता है? क्यों भाई? इस बंगले में ताला लगा कर आप कहीं दूर चले जाने को जी चाहता है? जनाब की तारीफ। साहिल। साहिल या कोहिल? साहिल साहब, आपको तो किसी दरिया या समुद्र के पास रहना चाहिए। यहाँ पटवारी, मेरा मतलब है कि ये साहिब भी यहीं रहेंगे। मुझे क्या एतराज हो सकता है? आपका बंगला है, जगह की क्या कमी है? इसी तरह दो चार दस को और ले आइए। साहिल, इनकी बातों का ख्याल न करना, बड़े अच्छे आदमी है ये पटवारी साहब। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं शायर साहब? ये सराय नहीं, और साहब आपका भी जवाब नहीं, सोचा ना समझा और चले आए। मुझे तो इन्होंने शराफत दिखाई होगी और आपने सच समझ लिया। खैर, जब आए हैं तो रहिए। आप मुझे तस्वीर बनाना सिखा दीजिएगा, किराया माफ। इनकी शायरी से तो एक भी लड़की नहीं पटती। क्या हुआ? इनका इनका गुंडा बेटा। बाबा देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। ये किसकी जीप है बेटा? मुझे नहीं मालूम बाबा, सी बीच में खड़ी थी, मैं लेकर चला आया। नहीं नहीं, इसे वापस कर दो वरना वो लोग परेशान होंगे। अरे वाह, परेशानी की क्या बात है, थोड़ी देर चला कर दे दूंगा। बाबा ये कौन है? मेहमान है। पागल है क्या? नहीं बेटे, मुसव्विर हैं, तस्वीर बनाते हैं। अच्छा, तुम्हारी अपनी तस्वीर तो अच्छी नहीं, तुम क्या तस्वीर बनाओगे? ऐसा नहीं कहते, जा कर देखो तो खाने का कुछ है। ओ बाबा, मुझे भी बड़ी भूख लगी है, मैं देखता हूँ। ये साहब, मेरा बेटा बड़ा ही शरीर है, इसकी बातों का बुरा ना मानना। आओ चलो। अच्छा बेबी, बोलो तो समंदर के अंदर क्या है? केकड़ा, बड़ी बड़ी टांगों वाला, पकड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं। गुड इवनिंग मिस्टर कुदरतुल्ला। गुड इवनिंग यंग मैन, सिट डाउन। नो डियर। बियर पियो और शाम का लुत्फ उठाओ। मिस्टर कुदरतुल्ला, बियर पी के गॉड का कुदरत से आप लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन इनको क्यों बोर कर रहे हैं? इनको जाने दीजिए, हम यंग आदमी हैं, शाम को चक्कर लगाने में मजा आता है। मेरी बेटी है, जहाँ चाहे जाने सकती है। कैसे जाएगी बेटी, बेटा जो यहाँ बैठा है। ठीक है, बस एक गिलास और पीकर जाने सकता है। नौ तुम जाओ। आपको मेरा बाप भी नहीं जा सकता। बहुत किंग मैन, खड़े हो जाओ। शाबाश बेबी, पटवारी को ले जाओ। लड़खड़ा रहे। क्या पाव लड़खड़ा रहा? अब वाली साहब आप कहाँ जा रहे हैं? आपके पास। मैं तो यहाँ हूँ, यहाँ। हाँ मैं तो यहाँ हूँ। और मैं समुंदर में।
क्या? समुंदर में पटवारी, इधर आओ, इधर। समुंदर पटवारी। हाँ जी पटवारी। कहाँ हो भाई? इश्क करना तो बाप से डरना, बाप से डरना तो पियो शराब, और करो अपनी हालत खराब। पटवारी साहब आपकी ये हालत? मिस्टर साहिल और बुड्ढा है जाहिल, बना दिया मुझे काहिल। इश्क के समुंदर में गोते लगा कर आ रहा, तुम अभी तक सोए नहीं? कहाँ सो? क्या कहा मेहमान, नहीं है सोने का सामान? अबे गुंगा, तेरी जान लूंगा। मेरे नहीं रहने से यही होता है कि तू खड़े खड़े ही सोता है? अरे ये कैसे हुआ? उसकी ये मजाल कहां से आया? दो जंजाल अभी बताता हूँ। ओ शहर के बच्चे, क्या ये तुम्हारे बाप का घर है? जो जी में आएगा करोगे? देखा देखा तुमने, मेरे नौकर को किचन में बांध कर सारा खाना साफ कर गया, और सारा बिस्तर लेकर बाप बेटा मजे से सो रहा। आखिर बर्दाश्त के भी हद हो गया है भाई। कमरे में जाकर ले आइए ना। कमरे में जाऊं और मैं? नहीं भाई, मुझे अपनी जान प्यारी है। तुम इस लड़के को नहीं जानते, ये इंसान नहीं है, जानवर है, जानवर। अरे बस मरने मारने पर तुला रहता है। अब रात कैसे गुजरेगी? मजे में गुजरेगी। मैंने कहा शायद साहब कम से कम एक दो तकिया ही दे दीजिए, हम गरीब भी सोएंगे। क्या हुआ? हाँ जी। चीख क्यों रहे हो? तकिया ही तो लिया था, सारा घर तो उठा कर नहीं सो रहा था। किसी कोने में चुप से सो रहे थे। कौन से नवाबों के बिना देखे तुम्हें नींद नहीं आती? लो मरो। बकवास। देखा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। साहिल मेरी एक बात मानोगे? बोलिए। तुम्हारे खाने और रहने की जिम्मेदारी मुझ पर, बस तुम उस जानवर को जिस तरह भी वो ठीक कर दो और शेव कर लो। अगर पैसा नहीं है तो मेरे पुराने ब्लेड से काम चला लो, थोड़ी तकलीफ होगी बर्दाश्त कर लेना। चलो। क्या नाम है तुम्हारा? दोस्त मोहम्मद। तुम्हारा? यार मोहम्मद। काम क्या करते हो? झक मारते हैं। पटारी जी तुम क्यों गर्म होते हो? मैं अपने बारे में कह रहा हूं। इतना डरते हैं? डरने की बात है यार। इस बच्चे से? बच्चा? मौका मिले तो खा जाए तुमको कच्चा। ये बड़ा बुजदिल है। बुजदिल नहीं, शर्दिल है। शर्दिल क्या करेगा, फंस गया। तुम दिन भर क्या करोगे? कहीं जाकर तस्वीर बनाऊंगा। ए, मेरी तस्वीर बनाओगे? तस्वीर बनवाने से पहले अपना हुलिया ठीक कर लो। ऐसा एक तमाचा मारूंगा कि सारी शरारत भूल जाओगे। बाबा 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 खा लेगा मुझे। बदमाश। चलो। अस्सलामु अलैकुम।
वालेकुम सलाम। ये शेर नहीं, शेर कहलाता है। तो फिर एक शेर सुनाओ। सुनाओ कि देखते ही आता है पसीना। बदमाश। मुझे बदमाश ना कहो प्यारी, न चलाओ न इनकी कटोरी। माय गॉड, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बाप, छोड़ दूंगा। पहले 5 रुपए दो। दूंगा, जरूर दूंगा, पहले खोल दो। आओ, इधर आओ, आओ। नॉनसेंस। 5 क्या 10 लो, कल फिर ऐसा करना। क्यों? मजा आ गया यार। बेहुदा कहीं का, तुम्हें मेरा नाम नहीं मालूम? यार बोलो, ये तस्वीर कब से बना रहे हो? सुबह से। ये तस्वीर किसकी है? बता दूं? नजदीक आओ। वहीं से बोलो ना। अरे डरते क्यों हो? लड़की की। अब तुम बताओ कहां से आ रहे हो? पहले ये बताओ, ये तस्वीर किस लड़की को देखकर बना रहे हो? क्यों, पसंद है? शादी करोगे? तुम ही कर लो। अरे मौका मिलने से छोड़ेंगे थोड़ा ही, लेकिन दोस्त ना सूरत ना मां, लड़की फंसेगी कैसे? तुम जवान हो, तुम एक चांस ले लो। हट, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या लड़कियों की तरह नखरा करने लगे? बैग से सिगरेट दो। तो जरा जला कर दो दोस्त। मुझे जलाना नहीं आता। हद हो गई ईमान से, एक जवान लड़का होकर तुम्हें सिगरेट जलाना नहीं आता? जलाओ। शाबाश। ये लो। तुमने बताया नहीं ये तस्वीर किस लड़की को देखकर बनाया? तुम्हें देखकर, सारी दुनिया को देखकर। हम फनकार हैं, जो कोई नहीं देख सकता वो हम देख लेते हैं। इस लड़की को कहाँ देखा, कैसे देखा? दिल की आंखों से, दिल की दुनिया में देखा। जब तस्वीर किसी तस्वीर में ढल जाता है, जब तस्वीर किसी तस्वीर में ढल जाता है, जाने क्या क्या मुझे उस वक्त ख्याल आता है, जब तस्वीर किसी तस्वीर में ढल जाता है। Thank you.
परछाई तो अनजान मुलाकात की है। दिल का अरमान तसल्ली मेरे जज्बात की है। प्यार मेरा यही कह के मुझे बहलाता है। जब तसव्वुर किसी तस्वीर में ढल जाता है। तुझ में शोलों का है अंदाज तो शबनम की अदा। बिजलियों की है चमक और है बादल की सदा। सोचता हूँ तो ये दिल और भी घबरा है। जब तसव्वुर किसी तस्वीर में ढल जाता है। जाने क्या क्या मुझे उस वक्त ख्याल आता है। जब तसव्वुर किसी तस्वीर में ढल जाता है। आ खाने के बाद सोचा था तू चमकेगी नहीं, आखिर तू चमक ही गई। राग और रंग का क्या खूब मिलाप है। नौजवान तुम कहाँ रहते हो? जी वो पटवारी साहब के बंगले में। मुसव्विरी तुम्हारा पेशा है या शौक? पहले शौक था लेकिन हालात ने इसे पेशा बना दिया। ओह, तुम भी दुखी मालूम होते हो। जी तुम मेरी तस्वीर बनाओगे? जब पेशा ही ठहरा तो क्यों नहीं बनाऊंगा। अगर तुम्हारे पास वक्त हो और जी चाहे तो मेरी तस्वीर बना देना। मैं रेस्ट हाउस में रहती हूँ। ओके बाय बाय। न जाने साहिल का बच्चा कहाँ मर गया। पेट में बात इस तरह गर्दिश कर रही है कि हाजमा खराब हो गया। पता नहीं कहाँ चला गया। अस्सलाम वालेकुम भाई पटवारी। वालेकुम। अरे तुम कहाँ चले गए थे यार? एक बात कहने के लिए मैं कब से बेताब हूँ। मैं भी एक बात कहने के लिए दौड़ के आ रहा हूँ। मेरी बात बहुत दिलचस्प है। उससे ज्यादा दिलचस्प मेरी बात है। बहरहाल पहले मेरी सुनो। जी नहीं, पहले मैं सुनाऊंगा। क्या मेरा खाते हो, मेरे यहाँ रहते हो? पहले मैं सुनाऊंगा। ठीक है सुनाओ। आज मैरिन के साथ ऐसा चक्कर चला, ऐसा चक्कर चला कि चमड़ा तक छिल गया। क्या? ये देखो। ये कैसे हुआ? मैं और मैरिन बैठे प्यारो मोहब्बत की गुफ्तगू कर रहे थे कि अपने दोस्त कौन? अरे वही शायर के लड़के ने हम दोनों को रस्सी में जकड़ कर इस तरह खींचा कि बस हंगामा हो गया। वो लड़का नहीं लड़की है। क्या बकते हो, वो लड़का है और जबरदस्त लड़का है। जी नहीं, वो लड़की है और सर से पांव तक लड़की है। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वो नहा रही थी, मैंने देख लिया। वो नहा रही थी, तुमने देख लिया? अस्सलाम वालेकुम शायर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सुनाओ भाई पटवारी। आपके साहेबजादे को नहीं देख रहा हूं। सो रहा है, दिन भर बाहर घूमते रहने से थक जाता है। पांव में बेड़ी डाल दीजिए, बाहर जाना भूल जाएगा। जवान लड़के के साथ ज्यादा सख्ती भी तो नहीं कर सकता। तौबा कीजिए, कौन काफिर सख्ती करने को कहता है।
मेरा मतलब है शादी कर दीजिए। शादी? जी हाँ, देखिए ना, आप बूढ़े हो चुके हैं, घर में बहू आएगी, आपकी भी खिदमत करेगी। बहू? शादी? जी हाँ। मेरा मतलब है, आप घबरा क्यों गए? नहीं, हम लोग है, लड़की का इंतजाम कर लेंगे। अभी उसकी उम्र ही क्या है? वही जो शादी की उम्र होती है, जहाँ दुपट्टे की हवा लगी बस दौर भर खत्म। लेकिन देखिए ना, हयात मौत को कौन जानता है। लड़का जवान हो गया है, जवानी का वक्त बड़ा खतरनाक होता है। आप कहें तो मैं लड़की देखूं? हमारी जिंदगी खाना बदोश जैसी है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, इस तरह जिंदगी कब तक गुजरेगी। बेटे की शादी करके उसका घर बसाइए, आपको भी आराम मिलेगा। मेरी बात पर गौर कीजिएगा शायर साहब। बाबा तुम कहाँ हो? आओ ना, मुझे नींद नहीं आ रही है। बाबा क्या हुआ तुम्हें? कहाँ चले गए थे? देखो ना, तुम नहीं रहते तो मुझे नींद नहीं आती। क्या सोच रहे हो? वो लोग ठीक ही कह रहे थे, अब तुम जवान हो गई हो। तो क्या हुआ? अब तुम्हें इस तरह बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों? बाहर अच्छे और बुरे लोग सभी रहते हैं। मेरा क्या कर लेंगे? कौन जानता है कब क्या हो जाए। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अब तुम सो जा। उन लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, वो गलत नहीं कह रहे थे। अच्छा, वो पटवारी और मुसव्विर का बच्चा मेरे पीछे लग गया है, दो दिन की जान पहचान, उन्हें ये सब कहने का क्या हक है? वो हमारी भलाई चाहते हैं। हमारी भलाई चाहते हैं? हाँ। अब फिर दिखाता हूँ भलाई। सुन तो। ए। तुम यार हो या चमार? तुम्हारा बीमार। तुम तस्वीरें बनाते हो या दूसरों का दिमाग खराब करते हो? इतना गर्म क्यों होते हो दोस्त? अगर कोई शिकायत हो जरा प्यार से कहो। तुम्हारा बाप नहीं तो मेरे बाप के पीछे क्यों पड़े हो? मेरे बारे में उनसे क्या कहा है? मैंने क्या कहा? यही कि मैं जवान हूँ, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर कहा भी तो बुरा क्या है? बुरा क्या? आवारों की तरह दिन भर मारे फिरते हो, ये अच्छी बात है? तुम्हारा क्या बिगाड़ता हूँ? अपने बूढ़े बाप का बिगाड़ते हो। सुनो, काम काज करो, शादी कर लो। तुम्हारी बीबी आएगी तो उस बेचारे की भी खिदमत करेगी। मैं क्यों शादी करूंगा, तुम कर लो। मैं तो तुमसे शादी करूंगा दोस्त। यार अच्छा नहीं होगा। अच्छा दोस्त बताओ तो, तुम लड़का हो या लड़की? मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। तो फिर तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हारा सर। हाजिर है जो मिजाज है दोस्त ने। साला पटवारी का बच्चा मेरी शिकायत करता है, अब समझो। बाप रे, मर गया। बेटा मेरा खाता है, मेरे यहाँ रहता है और मुझे ही मरता है। ठहरो, आज तुझे और तेरे बाप को घर से निकालता हूँ। शायर साहब, क्या भलाई करना गुना है? क्यों भाई, क्या हुआ? आपके साहब दादे ने मुलैल से ऐसा पत्थर ऐसी जगह मारा कि मैं बयान नहीं कर सकता। थोड़ा सा इधर उधर होने से मेरी जान खतरे पे थी। आजकल बड़ा ही शरीर हो गया है। उसकी शरारत तो किसी रोज मेरी जान ले लेगी। अगर मैं मर गया तो आप मेरी कब्र पर फतेह पढ़ने भी नहीं आएंगे। खुदा के वास्ते उसका कोई बंदोबस्त कीजिए। ठीक है, उसे आने दो। हाँ
अस्तग़फ़िरुल्लाह। माहरे चिड़िया, तुझे और जगह नहीं मिली मेरे ही सर पर। हद हो गई ईमान से। तो तुम नीचे आओ। नहीं आऊंगा। नहीं आओगे? नहीं आऊंगा, क्या करोगे? क्या करोगे बदमाश? नीचे आओ। पापा बदमाश। अरे दोस्त, तुम तो लड़की हो। ये कैसी शायरी है शायर साहब? लड़की को लड़का बनाए रखना भी शायरी है क्या? मजबूरी है पटवारी। उसकी माँ के मरते वक्त मैंने वादा किया था कि उसे हमेशा अपने साथ रखूंगा, कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा। लेकिन उसे लड़का बनाए क्यों रखा? मैं तो हमेशा बाहर ही रहता हूँ, जवान लड़की है, जमाना भी खराब है, इसीलिए लड़के का लिबास पहनाए रखता हूँ। लेकिन ये आपने अच्छा नहीं किया। हाँ, इसका मुझे एहसास है। एक लड़की की जैसी परवरिश होती है वैसी ही करते। कैसे करता पटवारी? शायर साहब, आज लड़की होने का उसे एहसास तक नहीं। हाँ। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं जानता हूँ पटवारी, जानता हूँ, लेकिन मजबूर था। अगर आप नहीं कर सकते थे तो किसी के हवाले कर देते जो उसे बताता कि वो लड़की है और उसे जवान होकर दूसरे के घर जाना है, उसे घर बसाना है। किसके हवाले करता? मेरा और कौन है? तलाश कीजिए, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। कहाँ मिलेगा? ही मिलेगा। क्या बात है, अकेले कहाँ जा रहे हो मुसव्विर? नहीं मालूम कहाँ जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ। तुम तो मेरे वहाँ आए नहीं। फुर्सत नहीं मिली। क्या अभी तक मसरूफ हो? जी नहीं। तो चलो मेरे साथ। अभी? अगर कोई इतराज ना हो। चलिए। जब तुम्हारे वालिद जिंदा थे तो आना जाना हुआ करता था। मुझे क्या मालूम कि तुमने खुद फॉरेस्ट का इंतजाम संभाल लिया है। अगर मुझे मालूम होता कि आप यहाँ हैं तो मैं खुद आकर ले जाता। खैर अब चलिए, मेरे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। ये तो मैं जानता हूँ, वैसे यहाँ मैं आराम से हूँ। अपनों के रहते हुए गैरों का एहसान लेने की क्या जरूरत है? गैरों को अपना बना लेना ही तो बड़ी बात है। पटवारी मेरे लिए अब गैर नहीं। मैं तो आपकी खिदमत करने का मौका चाह रहा हूं। ये तुम्हारी फरमा बरदारी है। मैं चंद दिनों के लिए तुम्हारे पास आऊंगा। कब आएंगे? शायरों से वक्त लेना चाहते हो? जब जी चाहेगा चलाऊंगा। ठीक है, लेकिन आना ना भूलिएगा। नहीं मियाँ, जब कह दिया है तो जरूर आऊंगा। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, इधर जब आना हो तो तुम भी मिलते रहना। जी अच्छा। ये फूल है ना? हाँ हाँ। बिल्कुल जवान हो गई है। हाँ हाँ। और वैसे ही शरीर भी है। फूल को भी लाइएगा अपने अच्छा, साथ। अच्छा अच्छा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा मैं यहाँ नहीं रहूंगी, कहीं और चलो। हम कहाँ जाएंगे बेटे? कहीं और, जैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। लेकिन पहले तो तुम इतने दिन एक जगह नहीं रहा करते थे बाबा। यहाँ के लोग अच्छे नहीं, सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं। बेटी अब तुम जवान हो गई हो, तुम्हें हर जगह लिए फिरना अच्छा नहीं।
तुम लड़की हो। तो क्या हुआ, मैं जैसे पहले थी वैसे ही रहूंगी? बुरी बात है बेटी, तुम्हें अब लड़कियों की तरह रहना चाहिए। एक रोज तुम्हें ससुराल जाना है, अपने शौहर के पास। तुम्हारा अपना घर होगा, तुम्हारी अपनी एक अलग दुनिया होगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। ऐसा कभी नहीं होता बेटी, हर लड़की को अपने शौहर के घर जाना ही पड़ता। बाबा अगर तुम फिर ऐसा बोलोगे तो मैं तुमसे नहीं बोलूंगी, खाना भी नहीं खाऊंगी और घर से कहीं अकेली चली भी जाऊंगी। अच्छा मैं चुप हो जाता हूँ, लेकिन तुम कुदरत से जंग नहीं कर सकती। आज नहीं तो कल एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारा शौहर होगा, तुम्हारा घर होगा, छोटे छोटे बच्चे अपने नाजुक और नर्म बाहें तुम्हारी तरफ बढ़ाएंगे और तुम बेख्तियार उन्हें अपने सीने से लगाकर उनका मुंह चूम लोगी। बेटी एक लड़की इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, नहीं। आज तुम कैसी बातें कर रहे हो बाबा, उस मुसव्विर के बच्चे ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। मैं कल उसे बताऊंगी। बाबा मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। हाँ बोलो ना बाबा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। बोलो बाबा, तुम मुझे छोड़कर कहीं चले तो ना जाओगे? बोलो ना बाबा, तुम चुप क्यों हो? मैं जा रहा हूं साहिल। कहां? रात के अंधेरे में अपनी गलती को दफन करने। जब सुबह उजाला लेकर आएगी तो मेरी बेटी मुझे नहीं पाकर तुम्हारे पास आएगी। तुम उसे कह देना साहिल, उसके बाप ने प्यार नहीं उसके साथ नाइंसाफी की है और अपने किए पर इतना शर्मिंदा है कि अंधेरे में मुंह छुपाए बाहर निकल पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं? बरसों से मेरी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी उसे तुम लोगों ने खोल दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी मोहब्बत और हद से ज्यादा प्यार ने मेरी बेटी को असलियत से दूर रखा है। मैं खुद उससे दूर रहकर उसे लड़की होने का एहसास दिलाना चाहता हूँ। वो आप यहाँ रहकर भी कर सकते हैं? नहीं कर सकता, मेरी मौजूदगी उसकी हर जिद को पूरा करने पर मुझे मजबूर कर देगी। लेकिन उसे इस तरह छोड़ के जाना अच्छा नहीं होगा। क्यों? लड़की जवान है और हम लोग गैर। मैंने कहा था ना, तुम और मैं एक ही खानदान के दो अफराद हैं। गुर्बत और दुख हमारे साथी हैं और फन हमारी रूह है। मैं अपनी लड़की को तुम्हारे हवाले करता हूँ साहिल। हाँ लेकिन शायद साहब, गरीब की अमानत एक गरीब के पास ही हिफाजत से रह सकती है, ये मेरा ईमान है। हाँ। मैं जानता हूं तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन नौजवान फनकार अपनों के लिए दुख उठाना तो हमारा फर्ज है। अगर यही आपकी ख्वाहिश है तो मैं वादा करता हूं गुर्बत का भर्म रखूंगा, अपनी जान दे दूंगा, लेकिन फनकार की आजमत पर दाग नहीं लगने दूंगा। साहिल हाँ, तुमने आज मुझे नई जिंदगी बख्शी है, अब मैं इत्मीनान से जा सकूंगा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।
बाबा 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 भाईजान अब क्या होगा? क्या होगा? उसे तुम संभालो, मैं तो चला। अरे मेरे बाबा कहाँ हैं? बाबा वो पापा कहाँ गए? वो तो चले गए। हेलो बाबा कहाँ गए? वो रात यहाँ से चले गए और तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझे देकर गए हैं। तुम्हारी ये मजा? हाँ, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। कोई किस तरह रहेगा ये कहने का तुम्हें क्या हक है? तुमने बाबा से कहा है कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। उन्हें यकीन दिलाया कि उन्होंने मेरी चीख से देखभाल नहीं की। वो बूढ़े हो गए हैं, उन्हें मेरे लिए शौहर तलाश करना है। मुझे शौहर नहीं चाहिए। तुम्हें मिलेगा भी नहीं। सुना, तुमने कभी ये सोचा है कि बाप के मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। इस वक्त नहीं रख सकती। जरूर रख सकती हूँ, हमेशा रख सकती हूँ। अच्छा तो मेरे हाथ से तुम्हारा हाथ छुड़ा कर दिखाओ। देखा, औरत कभी मर्द के साथ मुकाबला नहीं कर सकती। समझा, तुम्हें घर नहीं पिंजरा चाहिए। गया बिल्कुल बंदर। किसको अंदर कर दिया? अरे सेहत से क्या होता है, हिम्मत चाहिए हिम्मत। तुम क्या बक रहा है? ऐसा पकड़ के धक्का दिया कि धम से बिस्तर पर और कमरा बंद। फिर जितना चीख रहे बेकार। देखो पटवारी, देखी के तो आया हूँ, मर्द हो तो ऐसा हो। तुम ऐसी बोलेगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे वो जो मेरा दोस्त है ना आर्टिस्ट, उसने उस लड़की को, कौन लड़की, जो लड़का बनी हुई थी, उसको ऐसा दिखाया, ऐसा दिखाया, अब कभी भी लड़का नहीं बनेगी। तुम्हारा दोस्त बड़ा बदमाश मालूम होता। बदमाश नहीं, वो जानता है तुम लोगों को जितना दबा के रखा जाए तुम लोग ठीक रहोगी। सुनो पटवारी, तुम जो ऐसा बोलता है आखिर इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि तुम सेहत वेहत का चक्कर छोड़ दो। मिस्टर पटवारी, अगर तुम्हारा दोस्त के पास हेल्थ नहीं होता तो लड़की को कैसे कमरा में बंद करता? मैं इसी सेहत से ऐसा कर सकता हूँ। तो करता क्यों नहीं? मैं नरम दिल आदमी हूँ ना। अच्छा, इसीलिए नहीं सकता। अंडरस्टैंड? नरम दिल नहीं, बोलो बुजदिल है। भाई पटवारी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम जरा उसका ख्याल रखना, उसने कुछ खाया नहीं अभी तक। ठीक है। अच्छा मैडम, अब मैं चलता हूँ ड्यूटी पर। उसका बात सुनते ही जाने के लिए तैयार हो गया। बात क्या है, कहीं वहाँ भी? तौबा करो जी, हम लोग दोस्त हैं, एक दूसरे के हिस्से में हाथ नहीं लगाते। ये बकरा कौन है? दूर का रिश्तेदार। दूर का रिश्तेदार या इश्क पहरादार? चलो मैरिन, हरिन का शिकार का प्रोग्राम ठीक हो गया है। ओ, हरिन का शिकार, ओ वंडरफुल। अच्छा पटू, फिर मिलेंगे, बाय बाय। बाय मैन। घंटों हमसे प्यारो मोहब्बत, वो आया और लेके चला गया। चौगत बनने के लिए हम ही रह गए हैं पूरे पाकिस्तान में। निकल ले तो फिर बताऊंगी। इस वक्त मालिक नौकर जिसकी जो मर्जी हो कर लो, लेकिन कब तक? अच्छा, कमरे में बंद हूँ इसलिए मर्दांगी दिखा रहे हो? एक बार मुझे बाहर निकलने दो, तुम तीनों को सीधा कर दूंगी। हाँ
खाना दिया है लिया। लो खा लो। पटवारी साहब आप तो मुझ पर रहम कीजिए। रहम ना करता तो खाना क्यों देता? इस तरह तो जानवर को भी खाना नहीं दिया जाता। जी दिया जाता है जब तक वो फालतू ना हो जाए। पटवारी साहब आप तो उसकी तरह ना करें, दरवाजे से दीजिए ना, आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं। हाँ हाँ दरवाजा खोल दूं ताकि तुम भाग जाओ। कभी तो निकलूंगी यहाँ से, जब मेरी इनको मालूम होगा कि आप लड़कियों पर इस तरह जुल्म करते हैं, फिर वह आपको बताएगी। हालांकि जालिम के लिए मैंने कितनी सिफारिश की है मेरिन के पास और क्या क्या ना कहा है। उसे कहा मिली थी तुम? तो मुझ पर रहम कीजिए। रहम ना करता तो खाना क्यों देता? इस तरह तो जानवर को भी खाना नहीं दिया जाता। जी दिया जाता है जब तक वो फालतू ना हो जाए। पटवारी साहब आप तो उसकी तरह ना करें, दरवाजे से दीजिए ना, आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं। हाँ हाँ दरवाजा खोल दूं ताकि तुम भाग जाओ। कभी तो निकलूंगी यहाँ से, जब मेरी इनको मालूम होगा कि आप लड़कियों पर इस तरह जुल्म करते हैं, फिर वह आपको बताएगी। हालांकि जालिम के लिए मैंने कितनी सिफारिश की है मेरी इनके पास और क्या क्या ना कहा है। उसे कहा मिली थी तुम? रोज समंदर के किनारे मिलती हूँ। अच्छा वो मेरे बारे में क्या कह रही थी? छोड़िए बताने से फायदा क्या, जिसे मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं उसे बताकर क्या करूंगी। देखो भरोसा तो है लेकिन डर लगता है, भाग जाओगी तो हम दोनों को कच्चा खा जाएगा। ओहो कह तो रही हूँ नहीं भागूंगी। ठीक तो मुझे मुसीबत में ना फंसाना। नहीं नहीं पटवारी साहब। साहब की लड़की के लिए। क्या बात है आजकल उनका बहुत ख्याल रखते हो। बस जी जिम्मेदारी कुछ ऐसी ही है। तुम्हारे अलावा और कोई नहीं मिला? मेरे जैसा अच्छा आदमी कहाँ मिलेगा। मुझे भी एक जिम्मेदार आदमी की जरूरत है। पटवारी को भेज देता हूँ, अपना ही आदमी है, बहुत अच्छा दोस्त है। पटवारी को नहीं तुम खुद चले आना, मेरी तस्वीर भी तो बनानी है, ये भी जिम्मेदारी का काम है। अरे हाँ मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, किसी रोज जरूर हाजिर होऊंगा। शैतान। रमेश ना ये मेरा हाथ छोड़ दे। गुंगा होने के साथ साथ तू अंधा भी हो गया है क्या? लगे देखने में लड़की है। बाप रे बाप, मेरी इनकी बात कहकर वो मुझे चौगत बना गई। घर में कोई है? अरे पीछे का नहीं देखना।
वो कमरे के बाहर कैसे निकली? मुसीबत को बाहर ही रहने दो यार। फूल, ए फूल, फूल। क्या है? मेरा कपड़ा क्यों पहना? मेरी मर्जी। उतारो कपड़ा और ये साड़ी पहन लो। अंदर जाके पहनो। जिसकी बंदरिया वही नचाए। अब मैं कान पकड़ता हूं। शर्म नहीं आती? दो दो मर्द रहते हुए वो भाग निकली। गरम क्यों होते हो यार? उसने ऐसी मोहब्बत वाली बात कही कि बस पूछो मत। हाँ। तुम तो जानते हो मैरिन मेरी कमजोरी है। उसने मैरिन के बारे में ऐसा कहा कि मैं मोम की तरफ पिघल गया। बस दरवाजा खुला, मैं अंदर और वो बाहर। उसके बाद गुंगा ने मेरे हाथ का कुफ्ता बना दिया। मुसाबे, तुम्हारे होंठों पर हंसी बस लग गई गले में फांसी। देखो, लड़कियों की जन्नत उसका घर है। तुम अब घर में रहो और उसकी देखभाल करो, खाना पकाओ, घर साफ करो, बिस्तर सजाओ। लेकिन खबरदार, फिर घर से भागी तो समझो कयामत। जाओ। भाई पटवारी। हाँ भाई। तुम जरा ख्याल रखना, मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगा। यार क्यों मुझे फिर मुसीबत में फंसा रहे हो? क्या एक घंटा भी तुम दोनों इसे नहीं संभाल सकते? ठीक है, जाओ एक बार फिर सही। साहब दरवाजा खोलो, नहीं तो जान खत्म। गुंगा, खोल दे दरवाजा, नहीं तो निकलेगा जनाजा। क्यों भाग रही हो? देखिए ना, वो सब गुंडे मेरे पीछे आ रहे हैं। गुंडे? हाँ, और मुझे जबरदस्ती घर में बंद करके रखते हैं। अच्छा, मैं अभी उन्हें बताता हूँ। अरे भाई, 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 भाई। कौन है? बाबा थे, पता नहीं इन लोगों ने उन्हें कहाँ भगा दिया है, मुझे नहीं मालूम। तो फिर हमारे साथ चलो, जब तुम्हारे भाई साहब आ जाएंगे तो चलिए आना। चलो। साहब लुत्फ आया दूसरों की भलाई में।
ना जाने वो लोग उसे कहाँ ले जा रहे हैं। जहन्नुम में। आप उसका पीछा छोड़ दो। शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? जवान लड़की है, ना जाने किस मुसीबत में फंसेगी। मुसीबत? अरे वो तो खुद एक मुसीबत है। जाके देखो उनका भी क्या हाल हो रहा है। मेरे भाई अब घर चलो। चलो भाई। यार यार क्या है? दरवाजा खोलो ना। जहां गई थी वहां जाओ। खोलो ना, बाहर मुझे डर लग रहा है। दरवाजा नहीं खुलेगा, तुम जाओ यहां से। वो लोग बड़े बदमाश हैं। बदमाश? कौन कहता है? वो लोग तो बहुत शरीफ हैं। देखती नहीं है कितना प्यार किया है उन्होंने? अब मैं बाहर नहीं जाऊंगी। यकीन नहीं आता? मैं वादा करती हूँ जो कहोगे करूंगी। करोगे? हाँ। क्या होगा? जाओ आप संभालो उन लोगों को। इस मुसीबत को उनके हवाले कर दो। नहीं नहीं। क्यों नहीं? क्या तुम्हारे लिए अपनी जान दे दें? चलो हम उन्हें समझाते हैं। मार खाने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई? बाहर नहीं जाने से वो लोग दरवाजा तोड़ देंगे। मेरे भाई तुम जाओ, मैं दूसरी तरफ से भागने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह बुजदिल बनने से काम नहीं चलेगा। चलो। गुनाह कसूर माफ कर देना मेरे मालिक। क्या बात है? जवान लड़की को क्यों पकड़ रखा है? तुम लोग यहाँ बदमाशी करने आए हो? इतना गर्म क्यों होते हैं भाई साहबन? कहाँ है लड़की? वो यही रहती है। कौन होती है तुम्हारी? अरे उसका बाप हमारे पास छोड़ गया यार। बेटा हमें बेवकूफ बनाते हो। आप लोग यकीन क्यों नहीं करते? ये कोई यकीन करने की बात है? जवान लड़की को उसका बाप जान जान लोगों के पास छोड़ जा सकता है? ये झूठा है। खुदा की कसम हम सच कह रहे हैं। फिर बताओ तुम्हारा उस लड़की से क्या लगता है? हाँ हाँ बताओ। क्या बात है भाई? क्या हुआ बाबी, ये हंगामा किस लिए है? शायर साहब अल्लाह बचाए आपको, आप तो मजे में रहे लेकिन हमें मुसीबत में फंसा गए। क्यों, क्या हुआ? इन्हीं से पूछिए। क्या बात है भाई? ये गुंडे जवान लड़की को जबरदस्ती रखे हुए हैं। वो मेरी बेटी है। आप कैसे बाप हैं? एक जवान लड़की को गैर मर्दों के हाथ छोड़ रखा है। कौन कहता ये गैर आदमी है? तो फिर कौन है? ये मेरा अपना आदमी है, मेरा दामाद है। आप लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था। चलो भाई, चलो 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 जाओ चलो जाओ। क्या सोच रहे हैं शायर साहब? फूल के बारे में सोच रहा हूँ। फूल? हाँ। ब्लडी फूल। क्या कहा? कुछ नहीं, जरूर सोचे। देखिए ना, एक दो तमाचे खाना पड़े तो आदमी बर्दाश्त कर सकता है, या तो साले इस तरह मारते हैं कि जान निकल जाती है। मुझे इसका बड़ा ही अफसोस है। सिर्फ अफसोस करने से तो नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। वही तो सोच रहा हूँ क्या करूँ। सीधी सी बात है, आजी को बुलाइए और काम खत्म कीजिए। मैं भी यही चाहता हूँ कि साहिल के साथ फूल की शादी हो जाए।
आप लड़की के वालिद हैं और मैं लड़के का बड़ा भाई हूँ, हम लोग राजी हैं तो वो भी राजी हो जाएंगे। नहीं बाबा, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, वो मुझे मारता है, कमरे में बंद कर देता है और खाना भी नहीं देता। मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी। जी हाँ, इसे आप ले ही जाए और ऐसा फैसला ना करें कि मैं मुसीबत में फंस जाऊं। तुम बुजुर्गों के बीच बोलने वाले कौन? ये बदतमीजी है, जाओ अपना काम करो। हम जो भी करेंगे तुम्हारे लिए अच्छा ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ए, तुम भी जाओ यहां। अब के बहार जो आई हो, अब के बहार जो आई, रंग बिरंगे फूलों के बदले तुमको लेके आई। फिर जो बहार आएगी तो कुछ और बात होगी, और बात होगी। अब के जो सामने आया ओ, अब के जो सामने आया, तो घनघोर घटाओं के बदले तुमको लेके आया। फिर जो सामने आएगा तो कुछ और बात होगी, और बात होगी। अब के जो सामन आया ओ, अब के बहार जो आई। जब आंगन में बजे शहनाई, समझ ना मिलन की है रात आई। बन के दूल्हा जो मैं बारात के साथ आऊंगा, और डोली में बिठा कर तुम्हें ले जाऊंगा। फिर जो तुम्हारी नजर शर्माएगी तो कुछ और बात होगी, और बात होगी। अब के जो सामन आया ओ, अब के बहार जो आई। यानी 2000।
आएगा कहां से? देखो इंतजाम होता है या नहीं। इंतजाम हो या नहीं, लेकिन शादी जरूर होगी। इतनी जल्दी? जी हाँ, आपने सुना नहीं क्या? नेक काम में देर नहीं करना चाहिए। मैं आज ही से कोशिश करता हूँ। मैं भी आपने उनसे मशवरा करता हूँ। उनसे क्या मतलब? अपनी एक है मेरिन, उनके साथ बहुत दिनों से चक्कर चल रहा है। वैसे शादी होने का कोई इम्कान नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा अच्छा। चलिए भाइयो, दोस्तों, मेहरबानो, कदरदानो, ना हम मंजन बेचने वाले हैं, ना हम सुरमा बेचने वाले हैं, ना हम धोखा देने वाले हैं। भाइयो, ये हमारा पेशा नहीं। जब एक मुसाविर की जरूरत घर बैठे पूरी नहीं हुई तो हम रास्ते और बाजारों में निकल आए। कदरदानो, ये हमारे नहीं बल्कि आपकी भी इंसाइट है कि एक मुसाविर की शादी पैसे के बगैर नहीं हो सकता। आवाज दीजिए, आवाज दीजिए भाई। थैंक यू। हमें आज सोचना है कि कब तक हमारे मुल्क में फनकार इस तरह गरीब रहेंगे। दोस्तों जागो और अपने फनकार की फन के कदर करो। मैं अखंड दौरे में। आइए भाई साहब, आगे बढ़िए। ठीक है, शुक्रिया। आप लोगों ने जो हमारे कहने से हमारी मदद की, इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आपको आतिश को शादी में आने का दावा देता है। आपकी मौजूदगी हमारी खुशी में चार चांद लगाएगी। वो चार चांद का बच्चा, तुम्हारा खाना खराब, तुम इधर को मजमा लगाकर हमारा बेड़ा गैरत किया। खान बाबा, तुम भी मजमा लगाओ। कुछ कैसे लगाएगा? तुम इधर को चौकड़ी लेकर आवाज लगाया और सारा आदमी लोग को जमा किया और हमारा कारोबार चौपट किया। ओ खान बाबा, ये बहुत जरूरी था। कुछ तो फिर दूसरे तरफ जाके मजमा लगाओ। अगर फिर तुमको इधर को देखा तो खुदा का कसम बोलते तुमको दुश्मन समझेगा। और खान लोग दुश्मन से मुकाबला करना खूब जानते हैं। हाय हाय, कैसे समझाऊं खान बाबा, हम लोग तस्वीर बेचने वाला नहीं। सच कहता हूँ खान बाबा, तस्वीर का बनाने वाला बहुत गरीब है। उसकी शादी होने वाली है और रुपए की जरूरत है। हम लोग तस्वीर बिक्री करके रुपये जमा करता, तुम भी एक तस्वीर ले लो। कुछ हम चौकड़ी का तस्वीर नहीं लेता। एक ले लो, हमारी कुछ मदद हो जाएगी। कुछ तुम मदद का बात बोलता तो हम एक तस्वीर लेगा। कौन सी तस्वीर लेगा? कुछ हम तुमको रूपी देता, तुम हमारा वास्ता ऐसा तस्वीर बनाओ जिसमें हमारा माफी खान शेर को जेर करके उसको सीना पे पाँव रख के बड़ा शान से खाओ। अच्छा अच्छा खान बाबा, ऐसा ही होगा। तुम यहाँ क्यों आए? मैं यहाँ सोने आया हूँ। अब हम लोगों की शादी हो चुकी है। शादी हो गई है तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा शोहर हूँ। शोहर है तो क्या, मेरे साथ चलोगे? जाओ यहाँ से। बाबा बाबा बाबा, चीखो मत, जाता हूँ। अच्छी शादी की है मैंने। पटवारी, अकेले क्या कर रहे हो? जाओ यार, अपना काम करो। बहुत नाराज मालूम होते हो। नाराज? मेरा तो समुद्र में डूब जाने को जी चाहता है। बात क्या हुई बताओ तो सही। तुम्हारी शादी हो गई ना, अब जाओ खुशियां मनाओ। यार आज तो तुम सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे हो। मेरा मुंह सीधा नहीं, एकदम उल्टा हो गया है। अच्छा तो तुम आराम करो, मैं चला। अरे अरे, चले कहां? तुम्हारी शादी मैंने तो किसी तरह करा दी। अब जरा मेरा भी ख्याल करो। सुनो, हिम्मत से काम लो। अब मैरिन का हाथ पकड़ लो। यार वो किसी तरह मानती नहीं। फिर उसके बाप को पकड़ो और जब तक राजी ना हो छोड़ना नहीं। वो राजी होगा। अगर हिम्मत से काम लोगे उसका बाप भी राजी होगा। ठीक है।
हेलो पटवारी। हेलो वाले से काम नहीं चलेगा, आज मैं फैसला करने आया हूँ जवाब हाँ या ना मिलूंगा। कैसे जवाब? मैं जवान हूँ। यस। शक्ल कैसी है? मासूम। एक बंगले का मालिक भी हूँ। वो तो है, फिर मेरी शादी क्यों नहीं होती? जब चाहो हो सकती है। ये बात मैरिन क्यों नहीं कहती? वो मुझसे शादी के लिए तैयार क्यों नहीं होती? पटवारी, तुम इतना छोटा है कि एकदम लिलीपुट के माफिक है। क्या तुम टेडी बेयर हो? टेडी बेयर? तुमसे शादी कैसे करेंगा? मैं कब से चक्कर लगा रहा हूँ, क्या क्या नहीं क्या है तुम्हारे लिए, जरा भी रहम नहीं आता। देखो पटवारी, अगर मुझे शादी करनी होती तो मैं कब का तुम्हारे साथ कर लिया होता, लेकिन ये मरीन का मामला है, शादी तो इसकी मर्जी से होगी। अपनी मर्जी पे वेटिंग लिस्ट पे हाय। यस बेबी, इन दोनों में मुकाबला करा दो। यही तो सोच रही हूँ पटवारी। हमको सुनने में आया कि इधर का लोग अपनी बीबी को मारता है, इसलिए हम इम्तिहान लेंगे, जो बर्दाश्त करेगा उससे हम शादी करेंगे। मिस्टर पैट, यस, तुम मुकाबले की तैयारी करो। ऑल राइट, मैं हर इम्तिहान का मुकाबला करूंगा। विश यू गुड लक माय बॉय। ओके, विश यू गुड लक माय बॉय, विश यू गुड लक माय बॉय, विश यू गुड लक माय बॉय, विश यू गुड लक माय बॉय। फोर, wish you good luck my boy. Five, wish you good luck my boy. Six, wish you good luck my boy. Wish you good luck my boy, huh? Eight. Wish you good luck, my boy. शाबाश पटवारी। बाप बेटी मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो, 15 दिन के बाद आके देखना, एक एक घूसे में दिन को तारे नजर आएंगे। आई एम सीरियस, अब तुम जाओ। पटवारी, फिर से शुरू करो। ना पूछिए हम लोगों के बारे में, हम गरीबों की जिंदगी कुछ और होती। क्या हुआ? मैंने तुम्हें बाहर निकलने के लिए मना किया था। मैंने किया था और तुम जो अपनी मर्जी से चले जाते हो। गैर मर्दों के साथ खेलने में तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम जो गैर औरतों के साथ रहते हो। चलो यहाँ से। देखो, मारोगे तो अच्छा नहीं होगा। बाबा को आने दो, फिर तुम्हें बताऊंगी। हुकुमत, चलो। हाथ छोड़ो, चलती हूँ। खड़ी क्यों हो? कमरा साफ करो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ या नौकरानी? बीवी। क्या बीवी को यही सब करना पड़ता है? ये सब भी करना पड़ता है। चूल्हे में जाए तुम्हारा काम, मैं नहीं करूँगी। क्या? जल्दी करो। अच्छा, बाबा को आने तो मैं तुमसे गिन गिन कर बदला लूंगी। आज करा लो काम, बाद में तुम्हें बताऊंगी। अब बिस्तर ठीक करो। नहीं करूंगी। क्या कहा? अब मैं थक गई हूँ, बाद में करूंगी। बिस्तर ठीक करने के बाद आराम करना। चलो। गुंडा, बदमाश, जालिम। और बाहर दिन भर घूमती रहो। 100 बार जाऊंगी, देखती हूँ तुम कैसे रोकते हो। इस दफे तुम्हें बाहर देखा तो तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। और मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, समझे? समझ गया, पहले आप बिस्तर तो ठीक कीजिए। तुमसे शादी करके बेमौत मर गया। अब जाओ खाना बनाओ, जो समझ में ना आए वो गुंगा से पूछ लेना। बाबा को जरा आने दो, मैं तुम्हें जूता खिलाऊंगी। जूता बड़ा शौहर बनता है। Thank you.
ये सब क्या हो रहा है? तस्वीर खिंचवा रही हूँ। क्या है? मैंने कहा है तुम तस्वीर नहीं खिंचवाओगे। तुम कौन होते हो रोकने वाले? तुम जो दूसरे लड़कियों की दिन रात तस्वीर बनाते हो, तो क्या मैं अपनी तस्वीर नहीं खिंचवा सकती? मैं जो चाहूंगी करूंगी। हाँ, तस्वीर बनाना मेरा पेशा है और ये मेरा शौक है। जाओ सीधे घर के अंदर, फिर कभी बाहर देखा तो अच्छा नहीं होगा। जाओ। और आप लोगों का भी जवाब नहीं, जहां अकेली लड़की देखा बस कैमरा लेके सामने आ गए, दूसरे की बीबी की तस्वीर खींचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इसमें मेरा क्या कसूर? तो क्या कसूर मेरा है? गर्म क्यों होते हैं? उन्होंने कहा और अब तैयार हो गए। तकलीफ में पड़ गया यार। क्यों? तुम पटवारी का अगेंस्ट में बोलता और पटवारी तुम्हारे खिलाफ करता, हम क्या करेंगे? तुम मेरी मानो और पटवारी को छोड़कर मुझसे फौरन शादी कर लो। पटवारी बुरा आदमी तो नहीं? एकदम बुरा आदमी है, उसका कोई कैरेक्टर नहीं, दिन भर लड़कियों के पीछे घूमता रहता है। नो, ऐसा मत बोलो, वो तो मुझसे सचमुच लव करता। और मैं? तुम भी करता। तुम दोनों से तो मोहब्बत नहीं कर सकती, एक को चुन लेना होगा। हम ऐसा ही करेगा। तुम मेरे नहीं सब मेरी हो, अंदर ही अंदर चक्कर चलाती हो। मैं इंतजार नहीं करूंगा, अभी फैसला करो शादी करोगी या नहीं। हम इसी के बारे में बोल रहा था, पापा तुम दोनों को पसंद करता और हम भी लाइक करता। तो क्या तुम दोनों से शादी करोगी? नहीं। तो फिर? हम तुम दोनों को एग्जामिन करेगा, इम्तिहान लेगा। जो चाहो ले लो, मेरे पास बंगला है, किस चीज की कमी है? मेरा भी बहुत बड़ा कारोबार है, गाड़ी है, कोठी है, तुमसे किसी तरह कम हूँ? यहाँ क्या है तुम्हारा? वैसे मेरा भी तो हजारों बीघा पुदीने का खेत है गांव में। तुम लोग क्यों झगड़ते हो? जो इम्तिहान में पास आएगा उससे हम शादी करेंगे। ठीक है, इश्क और जिद में तो मैं अपनी जान तक दे दूंगा। ऑल राइट, कल तुम दोनों पैगोडा का पास आ जाना, हम उधर को तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। अब तुम लोग जाओ। ओके। मरना है तो दरवाजे से सर क्यों टकरा रहे हो? किसी पहाड़ से दरिया में छलांग लगा दो, आराम से मर सकोगे। मैं पागल हो जाऊंगा, मेरा सर जल रहा है। अरे वाकई तुम्हारा सर बहुत गर्म है, तो बुलाऊं? नहीं, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे कहो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम किसने कहा था खाने के लिए? मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ था पटवारी को? इश्क का चक्कर।
वो जो लड़की है ना मैरिन, उससे वो शादी करना चाहता है। तो कर ले। लेकिन वो नहीं चाहती, इसी गम में उसने कुछ उल्टी सीधी दवा खा ली और उसका सर गर्म हो गया। जहर तो नहीं खा लिया? इसी किस्म की चीज होगी। देखा, तुम्हारे दोस्त ने मेरिन के लिए जहर तक खा लिया, और शौहर होते हुए भी आज तक तुमने मेरी तुम्हें तस्वीर बनवाने का बहुत शौक है। हाँ ठीक है, बना दूंगा। कब? कल, वहीं झील किनारे जहां तुम गौसल कर रही थी। मेरा इंतजार करना, मैं आकर बना दूंगा। सच?
सकता है। कैसे हो सकता है? आप मुझे हमेशा पैसे देती रहें और मैं तस्वीरें बनाता रहूंगा। दगाबाज। जानवर, जंगली, मुझे वहां घर तो बिठा दिया, खुद नहीं आया। मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, उसे छोड़ दूंगी। मुझे छोड़कर उस मोटी औरत की तस्वीर बनाता है, आने दो उसे। आप कब आए? बैठो, मैं इस तरफ काम से आया था, शायर साहब ने तुमसे मिलने को कहा था। बाबा कैसे हैं? उनकी तबीयत खराब है, उन्होंने कहा है कभी मौका मिले तो अपने शौहर के साथ उन्हें देगा। वो शौहर है, क्या बताऊं, वो मुझ पर कितना जुल्म करता है, मेरी कोई बात नहीं मानता। बीबी शौहर में कभी कभी ऐसा होता ही है। ऐसा होता है, वो मारता है, घर से बाहर जाने नहीं देता, दिन रात मेरे पीछे पड़ा रहता है। देखिए ना, आज वो मेरी तस्वीर बनाने वाला था, मैं उसका इंतजार करती रही और वो दूसरी औरत की तस्वीर बनाने चला गया। चली जी जी, ऐसा नहीं कहते, मिलजुल कर रहना चाहिए। मैं तो रहती हूँ, वो नहीं रहता। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे एक जगह और जाना है। मैं आपको इस तरह नहीं जाने दूंगी, आपको चाय पिलाऊंगी और खाना भी खिलाऊंगी। खाना? जी हाँ, उस जालिम के लिए हाथ जला जला कर मैं सब कुछ बनाना सीख चुकी हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो कभी ऐसा नहीं कहता, हमेशा मेरी बुराई निकलता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उसकी बीवी होते तो समझते। आप आराम से बैठिए, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। वाह वाह, आज बड़ी मेहरबान नजर आती हो, नाराज क्यों होती हो? खाने से पहले ही तारीफ किए देता हूँ। तारीफ करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं, मेरे लिए ये सब इंतजाम करने में तुम्हें काफी तकलीफ हुई होगी। बाबा के यहाँ से जो आए थे उनके लिए तकलीफ की है, तुम्हारे लिए नहीं। कौन आया था? अनवर। कौन है वो? बाबा के दोस्त का लड़का। तुम उसे जानती हो? अच्छी तरह, बचपन में उनके साथ खेला करती थी। वो क्यों आया था? ये कहने कि बाबा की तबीयत खराब है और बाबा ने मुझे बुलाया भी है। गई क्यों नहीं? चली जाती अगर उन्हें कहीं और जगह जाना नहीं होता। वो फिर कब आकर तुम्हें ले जाएगा? जब उन्हें फुर्सत मिलेगी। तुम उसके साथ नहीं जाओगी? जरूर जाऊंगी, तुम कौन होते हो रोकने वाले? गैर मर्दों के साथ तुम्हारा मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं। तुम्हें तो गैर औरतों के साथ मिलना जुलना बहुत पसंद है। क्या मतलब? तुमने मेरी तस्वीर बनाने का वादा किया था, फिर तुम दूसरी औरत की तस्वीर बनाने क्यों गए? ये मेरा पेशा है। तुम्हारा पेशा मुझे पसंद नहीं। मुझे तुम्हारा मशवरा नहीं चाहिए। मुझे भी तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं। फूल, मुझे भी चीखना आता है, समझे? चीखोगी तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। हाथ लगा कर तो देखो जरा। अनवर के साथ पहले ही मुलाकात का ये असर है? इससे पहले भी वो यहाँ आया था और बाबा को चीख के कहा था कि दूसरों का एहसान देना अच्छा नहीं। दूसरों का? हाँ, उस वक्त बाबा को समझना चाहिए था कि गैर गैर ही रहता है। बाबा ने तुम जैसे जालिम के हवाले करके मेरे साथ दुश्मनी की है। तुम्हें तो अनवर जैसे शरीफ के हवाले करना चाहिए था। वो तुमसे लाख दर्जे बेहतर है। तो फिर चले क्यों नहीं जाते उसके पास? या अली। अच्छा या, तो तुम पहले ही आ गए। यार खामखा तुम मेरे पीछे पड़े हो, मैं बहुत दिनों से मेरिन का पीछा कर रहा हूँ। मैं भी मेरिन को बहुत दिनों से जानता हूँ। अगर रुपए का चक्कर है तो 200-400 ले लो और मामला तय करो। तुम मुझे रुपए दिखाते हो? अगर मैं चाहूँ तो तुम जैसे 2-4 को क्यों झूठ बोलते हो? मुझे सब मालूम है, ना तुम्हारा कोई कारोबार है ना मेरा कोई पुदीने का खेत। बहादुरो, ये भेद तो मुझ पर पहला खुल गया था, ना हम कारोबार मांगता ना पुदीना का खेत। तुम दोनों एग्जामिन के लिए तैयार हो जाओ, अटेंशन। हम तुम दोनों का हाथ में गोली मारेंगे, जो बर्दाश्त करेगा वो पास, जो आवाज निकालेगा वो फेल। इससे तो आदमी मर जाएगा। नहीं, इससे आदमी नहीं मरेगा। ठीक से देख लो। अगर डर लगता है तुम यहाँ से चले जाओ। पहले किसके हाथ में मारोगी? ये फैसला तुम लोग करेंगे। क्यों?
है हिम्मत? क्यों, तुम्हारी तरह बुजदिल थोड़ा ही हूं? You are fail. पटवारी तुम रेडी? रेडी तुम ठीक है. You are brave. Come on. टेलीग्राम. टेलीग्राम इन साहब. पापा बीमार है. फूल साहिल मेरे बच्चे, अल्लाह. ऐ मेरे सुनो, ये लॉन्च कहाँ जा रहा है? टेकना ऑफ. दूसरा लॉन्च कब जाएगा? वो तो 3 दिन के बाद आइंदा मंगल को जाएगा. इससे पहले? इससे पहले तो कोई लॉन्च नहीं. हाँ, कश्ती जा सकती है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए 1 दिन 1 रात लगेगी. अनवर के पास तुम्हें अब तक चली जाना चाहिए था. लॉन्च ना छूटता तो चली गई होती. दूसरे लॉन्च का इंतजार करो. तुम मुझे बाबा के पास पहुंचा दो. मैं नहीं जाऊंगा. क्यों नहीं जाओगे? मुझे टेलीग्राम पर यकीन नहीं आता. जैसे तुम झूठे हो वैसे दूसरों को. शायर साहब की तबीयत खराब है, उन्हें देखने जाना चाहिए. मुझे क्या करना चाहिए ये आपसे ज्यादा मैं समझता हूँ. टेलीग्राम में जो कुछ लिखा है वो सच भी तो हो सकता है. अगर सच है और तुम ना गए तो शायर साहब को बड़ा दुख होगा. पटवारी साहब, मैं तुम्हें शिकायत फूल से है, शायर साहब से नहीं. चले जाओ ना, 2-4 रोज की तो बात है. अच्छा, जितना रोब जमाना है जमा लो. अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी. वापस नहीं आओगी? हाँ हाँ, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी. इतने दिनों के बाद मौका मिला है बाबा के पास जाने का. मेरे साथ रहकर तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है ना? तकलीफ नहीं तो क्या, दिन रात काम करवाया, मारपीट किया, कमरे में बंद कर दिया. पूछता है तकलीफ हुई है ना? मेरे बगैर तुम अकेली रह सकोगी? ना, हाँ रह सकूंगी, खूब रह सकूंगी. सुनो. बोलो, क्या बोलोगे जल्दी बोलो. अब क्या बाबा के पास ही रहोगे? क्यों, वो भी तो है, बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी तरह जालिम नहीं. वो मुझे हर जगह घुमाते फिरेंगे. अगर कभी मेरी जरूरत महसूस हुई तो मेरे पास चली आना. ये ना भूलो कि तुम मेरी बीवी हो. बीवी? फिर वही मसाला पीसना, तुम्हारा माल खाना और दिन रात काम करना. ना बाबा ना. इसके अलावा भी बीवी को शौहर की जरूरत होती है. आज नहीं तो कल जरूर समझोगी. हाँ, तुम भी समझोगे. शौहर को बीवी की कितनी जरूरत होती है. वो तुम्हें बहुत याद करते थे. जहां तक मुझसे हुआ मैंने खियार, यहाँ के सारे डॉक्टर
उनके इलाज में लगे रहे। इलाज और उनकी देखभाल में कोई कोताही नहीं हुई, लेकिन अफसोस। बाबा ढलता हुआ वो सूरज कहता है करके इशारा, मैंने तो दिन गुजारा राही तेरा कौन सहारा सहारा सहारा। सूरज कहता है करके इशारा, मैंने तो दिन गुजारा राही तेरा कौन सहारा तेरा कौन सहारा। ढलता हुआ वो सूरज झूठी आशाओं से अपने मन को बहलाने वाला, अपना तसव्वुर कैसे कैसे रंग में तूने रंग डाला, लेकिन तू राही अकेला चारों तरफ हम कमेला सदियों से फिरता है कब तक फिरेगा आवारा आवारा आवारा। मैंने तो दिन गुजारा राही तेरा कौन सहारा तेरा कौन सहारा। ढलता हुआ वो सूरज और तुम उसे छोड़कर चले आए। वो यहां वापस आना नहीं चाहती। क्यों, तुमने उससे पूछा था? पूछने की जरूरत न थी, जो लड़का यहां आया था जिसे वो पसंद करती है उसी के पास चली गई। झूठ, वो लड़की ना समझ है, उसे कुछ भी तो नहीं मालूम। उसे सब कुछ मालूम है, वो हमें धोखा दे रही थी। तुम लड़कियों के बारे में क्या जानो, जिंदगी में सिर्फ एक लड़की आई और वो भी ना समझ। अरे बेवकूफ, तुम उसके बाप से मिलकर क्यों नहीं आए? क्या उसने मना किया था? नहीं। फिर शायर साहब की तबीयत खराब नहीं, ये तुम कैसे कह सकते हो? वो लड़का मेरा चचाजात भाई है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। टेलीग्राम देकर उसने कोई चाल चली है। ये जानते हुए भी तुमने फूल को वहां छोड़ दिया? इसके अलावा कोई चारा ना था। देखो मुसाविर साहब, खैरियत चाहते हो तो उसे जाकर अभी ले आओ। मैं नहीं जाऊंगा। तुमको जाना पड़ेगा। ये नामुमकिन है। मैं कहता हूं तुम जाओगे। तुम्हें मेरे मामले में दखल देने का क्या हक है? हक इसलिए है तुम मेरा खाते हो, मेरे यहां रहते हो। तो तुम एहसान जता रहे हो? तुम लोगों को यहां रहने से मजा आता था, हंगामा होता था, मैं खुश रहता था। मैंने कारोबार बंद इसलिए नहीं किया था कि तुम फूल को वहां पहुंचाकर अपने साथ मुझे भी परेशान कर दोगे।
मेरा नुकसान भी हुआ और मैं खुश भी नहीं रह सका। जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है वो सब पूरा कर दूंगा। मैं जा रहा हूँ। जहन्नुम में जाओ, पहले ये नुकसान पूरा करो, मेरा घर आबाद कर दो, फिर जहां जाना है जाओ। का किसे गम नहीं होता, इंसान क्या कर सकता है। इस घर को अपना ही घर समझो, यहां की हर चीज तुम्हारी है। फूल कुछ बोलो, फूल अपना गम मुझे बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लो। फूल इसे पी लो। आपने आपको धोखा दे रहा है। गुंगा, अबे आओ गुंगा। पहले बेटा आना। साहिल साहब आए थे। पागल आती लवा। हाँ। ना लग बैठ। अबे जा। ए कुंडा। ना जाने कहाँ चला गया? मिलने से बताऊंगा। डार्लिंग। अभी नो डार्लिंग। तुमको क्या हो गया है? हमको फूल और साहिल हो गया है। तुम क्या बोलता? तुम इम्तिहान में पास हो गया, इधर को तुम शादी नहीं करता, उधर रेस्ट हाउस का बुकिंग खत्म हो गया, हम लोग किधर को जाएंगा? समुंदर में। पटवारी, क्या तुम शादी नहीं करेगा? जब तक लड़का नहीं आता शादी नहीं करेगा। किसका लड़का? मेरा। व्हाट, तुम्हारा लड़का? वही साहिल, अपना नहीं फालतू लड़का समझो। ओह माय गॉड। मैरिन, तुम अभी जाओ, मैं बहुत परेशान। क्यों? साहिल ना जाने कहाँ चला गया, उसे तलाश करना है। साहिल तो मिसेस मार्टिन का यहाँ है। अच्छा, तो बुढ़िया चक्कर चला रही है। जिंदगी के तुम अब बर्बाद कर रहे हो। तुम यहाँ क्यों आए पटवारी? ये तुम्हारा बंगला नहीं, ये मैं जानता हूँ। यहाँ से निकल जाओ। गेट आउट। यस, गेट आउट। आज तुमको कुछ सुना के गेट आउट होगा। ना जाने कितने घरों को बर्बाद कर चुकी हो, अब इसके पीछे पड़ी हो। शर्म बुढ़ी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे एक पाव कब्र में है। लेकिन ये लिबास, ये सजावट और ये शराब। मालूम होता है इस वनस्पति औरत का असर शराब से ज्यादा तुम पर हुआ है। इससे पहले के धक्के देकर तुम्हें निकाल दिया जाए तो इज्जत के साथ यहाँ से चले जाओ। इज्जत तो ऐसे घरों में शराब की खाली बोतल में भरकर बाहर फेंक दी जाती है। जमान को लगाम दो पटवारी। तुम मेरे घर आकर मेरी ही तोहिन कर रहा है। मैं नहीं, बल्कि तुम सारी औरतों की तोहिन कर रही हो, उन औरतों की जो घर बसाती हैं, खानदान संवारती हैं। साहिल, तुम मेरे साथ चलो। पटवारी साहब, न अब मैं तुम्हारा खाता हूँ न तुम्हारे यहाँ रहता हूँ। तुम्हारी बात क्यों मन? चार दिन पहले तुम किसके साथ थे? लो ये रुपए और इसे छोड़ दो। तुम दौलत से इंसान को खरीदती और बेचती हो और हम मोहब्बत और दोस्ती में जान तक दे देते हैं, तुम दौलत के लिए खुद को बेच दो।
कोई बात नहीं यार, जब नशा उतर जाए और मैं याद आऊं तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा मेरे दोस्त। दिया अरमानों का रूप मौजों का दिया और कभी तूफानों का, तेरा बर्ताव मगर दिल मेरा तड़पाता है।